हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो दिस इज़ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ AECC इंग्लिश असाइनमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है बिकॉज पर वीडियो आई एम ओनली डीलिंग विद वन क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन अलग अलग हैं, सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट द कम्प्लीट आंसर, कम्प्लीट फुल आंसर ऑफ ऑल द असाइनमेंट इंग्लिश AECC क्वेश्चन। इस वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन का आपका पूरा आंसर है, 500 वर्ड वर्ड लिमिट है। दिस क्वेश्चन इज दिस आंसर इज समवेयर अराउंड 550 और 600 वर्ड्स, एंड आई विल टेल यू कि आपको ये आंसर अपने वर्ड्स में किस तरह से आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। बिफोर दैट इट्स माई एडवाइस दैट देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, प्लीज़ ओनली गो फॉर द जेन्युइन असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ लोगों ने डाली हुई हैं, बट यू आर द स्मार्ट वन, यू नो कि कौन से जेन्युइन असाइनमेंट है। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन वीडियो एंड दे हैव अपलोडेड एन इग्नू असाइनमेंट विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द DU स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज बहुत पैटर्न अलग अलग है सबका। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पैटर्न, असाइनमेंट का पैटर्न, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ असाइनमेंट राइटिंग, हाउ टू राइट एन असाइनमेंट। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल पैटर्न कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सेंटर में राइट द नेम ऑफ द पेपर, लाइक आई हैव रिटन AECC इंग्लिश असाइनमेंट, एंड देन आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड राइट योर नेम एंड रोल नंबर, योर नेम एंड योर एज वेल नो रोल नंबर। उसके बाद इस वीडियो के बीच में पूरा आंसर आपके पास है, बट अगेन इट्स माय एडवाइस डू नॉट कॉपी द होल आंसर, बिकॉज एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो दे विल ट्राई टू राइट द सेम आंसर, एंड व्हेन एग्जामिनर एज एन एग्जामिनर व्हेन वी विल चेक द कॉपीज देन वी विल गेट टू नो दैट दिस इज जस्ट द सेम आंसर, यू हैवंट पुट एनी एफर्ट। सो अगर आपकी कोई मेहनत या आपकी कोई क्रिएटिविटी मॉडिफिकेशन उस आंसर में नहीं दिखेगा देन एग्जामिनर विल नॉट गिव यू द मार्क, दे ऑल विल नो दैट यू ऑल हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर। सो प्लीज़ try to modify your answer, and how to modify it, how to write your own answer, your own assignment answer, I will also tell you in this video. So have a look at the question, explain the various types of verbal and non-verbal communication. वो आपको explain करना है कि verbal communication क्या है, non-verbal communication क्या है. So in the very first paragraph I have described a very brief definition that what is verbal communication and what is non-verbal communication, बिल्कुल simple way में मैंने describe कर दिया है. Then next paragraph I have written about verbal communication, heading डाल के मैंने लिखा है। जो लोग पेन पेज पर पे लिखने वाले हैं पेन पेपर से, सो उनके लिए एडवाइज़ है प्लीज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज़ करें, कोई कलरफुल स्पार्क पेन या कोई स्केच पेन यूज़ ना करें, बिकॉज दैट विल ओनली गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो जस्ट यूज़ ब्लू ब्लैक पेन, और यू कैन अंडरलाइन, यू कैन बोल्ड द लेटर्स, इट्स अप टू यू। एंड इवन दोज हु आर राइटिंग इन कंप्यूटर, प्लीज़ डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ फैंसी वर्ड्स, लाइक आप कलरफुल फॉन्ट यूज़ मत कीजिए, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है उसका वही रहने दीजिए। So first of all, I have given a brief definition of verbal communication, and then I have described the two different types, oral speech and written. अब यहाँ पे oral speech और written का मैंने कुछ ज़्यादा description नहीं दिया है, because we all know that what is oral and what is written. So उसके इतने ज़्यादा description अगर आप देंगे तो सिर्फ आपकी word limit ही बढ़ती जाएगी, and जो genuine चीज़ें आपके answer में अच्छी चीज़ें जो होनी चाहिए वो missing होंगी. So that's why I haven't described it in very detail, बल्कि मैंने यहाँ पे एक एक अच्छी क्वालिटी, लाइक एक एक गुड कैरेक्टरिस्टिक जो है ओरल का एंड रिटन का वो लिखा है। लाइक ओरल के बारे में आई हैव रिटन दैट स्पीच इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड रिटन के बारे में आई हैव रिटन दैट इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फॉर्मल वर्क्स। सो इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपने बुक पढ़ी है फॉर, और इवन इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियोज़ ऑन AECC चैप्टर्स, द लिंक ऑफ द वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो जब आप वो चैप्टर्स वाली वीडियो जब आपने देखी होगी, आपको पता होगा कि ओरल कम्युनिकेशन की क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं एंड रिटन कम्युनिकेशन की क्या है। तो आप वो दोनों डिटेल यहाँ पे, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसे आप एडिट करके अपने खुद के वर्ड में या बुक में से कहीं और से कोई और पॉजिटिव चीज़ कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के आप एक ओरल और एक रिटन के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, दिस अंडरलाइन आपको ऐसे असाइनमेंट में अपने अंडरलाइन नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए अंडरलाइन किया है इटैलिक्स एंड अंडरलाइन में, कि आप अपनी तरफ से वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया, लाइक टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन, राइटिंग एंड ईमेल, ये सारी चीज़ें जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें ओरल या रिटन मीडियम जो है वो यूज़ होता है। तो इसके अलावा आप अपने एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए, जैसे जब जब आपके एग्जाम्पल अलग होंगे तो ऑफकोर्स एग्जामिनर विल गिव यू मोर मार्क्स।
Now next is non-verbal communication. As like verbal communication, I have described the definition and then the different types of non-verbal communication, cues of non-verbal, like kinesis, proxemics, chronemics, haptics, paralanguage, silence and sign language. Now another thing, silence and sign language को मैंने अपने इस answer के बीच में include नहीं किया है, because वो मेरे लिए बिल्कुल एक अलग चीज़ है और मेरी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी यहाँ पे. सो मैंने साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज को पूरा फुली इंक्लूड नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट टू इंक्लूड, अगर आपको इंक्लूड करना है वो अपने असाइनमेंट के बीच में, देन वॉच माई वीडियो ऑन ACC चैप्टर्स. दिस इज़ फ्रॉम वीडियो चैप्टर 2, वीडियो 2. और उसके अलावा आप अपनी बुक में से, जो आपकी ACC की बुक आपको दी हुई है, आप उस बुक में से भी देख के साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज के ऊपर लिख सकते हैं. इट्स गिवन इन वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट काइनेसिस. अब काइनेसिस जो मैंने फर्स्ट पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिस्क्राइब किया है, तो अब काइनेसिस के बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं. तो हर सब पार्ट का अगर हम एग्जांपल देंगे, लाइक पर्सनल अपीयरेंस इसका पहला सब पार्ट है. अब अगर हम पर्सनल अपीयरेंस का एग्जांपल देने लग जाएंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों का भी एग्जांपल देंगे, तो आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके 500 वर्ड्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फुल आपका असाइनमेंट जो है उसमें सारी बातें इंक्लूड नहीं हो पाएंगी. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड कि मैंने काइनेसिस की डेफिनेशन छोटी सी, द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ द वे आवर बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स थ्रू वेरियस मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्ट, ये डेफिनेशन. इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल यहीं पे दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, नोडिंग वंस हेड कम्युनिकेट्स एक्सेप्टेंस, अपने सिर हिलाने का मतलब कि आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली है. सो अब इससे क्या होगा कि मेरा एग्जाम्पल भी हो गया है. अगर एग्जामिनर देखा गया कि एग्जाम्पल दिया नहीं दिया, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मुझे फुल मार्क मिलेगी एग्जाम्पल देने के. और उसके बाद जो मेरे नीचे सब पॉइंट्स हैं, लाइक पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर, जेस्चर, इनकी सिर्फ मुझे डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है. इनकी एक्सप्लेनेशन जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लाइक पर्सनल अपीयरेंस, इसकी डेफिनेशन आप खुद से भी दे सकते हैं, पोस्चर की आप दे सकते हैं. लेकिन थिंग्स लाइक जेस्चर, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं देनी आ रही है, तो आप ये सेम एज इट इज़ बुक की या जो मेरे यहाँ पे मैंने जो लिखी हुई है, आप वही कॉपी कर सकते हैं. देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ पेपर, जैसे ही एक पेज ख़त्म होता है, अगर आपका हैंड रिटन है या आपका कंप्यूटर पे टाइप्ड भी है, अगेन आप पेपर का टाइटल और अपना नेम एंड रोल नंबर लिखना मत भूलिए, जैसे ही न्यू पेज जो है वो स्टार्ट होता है. उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स आता है. सो प्रॉक्सिमिक्स के बीच में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, पहले डेफिनेशन दी है, फिर मैंने 4 डिस्टिंक्ट जोन्स जो हैं वो डायग्राम के थ्रू बनाए हैं. आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम दी ACC टेक्स्ट बुक. लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आप मेरे इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके अलावा आप एक फ़ोटो भी क्लिक करके वो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं. और अगर आप हैंड रिटन बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप कलरफुल पेन या पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं अपना डायग्राम अच्छे से बनाने के लिए. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इंटीमेट स्पेस क्या है, और यहाँ पे मैंने उनका अलग अलग एग्जांपल भी दिया है, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं प्रॉक्सिमिक्स का एक ही एग्जांपल देती, वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता. तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और बुक में भी यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एग्जांपल दिए हुए थे, तो मुझे ईजी लगा. तो मैंने यहाँ पे सबके अलग अलग स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स उनके सब सेक्शंस में दे दिए हुए. अगेन योर नेम एंड रोल नंबर, अगर जैसे ही आपका न्यू पेज स्टार्ट होता है, देन कम्स द क्रॉनमिक्स. क्रॉनमिक्स के बीच में मैंने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल दिया है. ये एग्जांपल बुक का नहीं है, मेरा खुद का दिया हुआ एग्जांपल है. यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन एग्जांपल. हैप्टिक्स का यहाँ पे एग्जांपल बुक के चूज्ड एग्जांपल है. पैरा लैंग्वेज का क्या है यहाँ पे कि पैरा लैंग्वेज की पहले मैंने डेफिनेशन दी. ऑफ कोर्स वर्ड लिमिट ओवर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने पैरा लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है. और उसके बाद मैंने इसके वोकलाइजेशन ऑफ वर्ड्स की, जो वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉजेज, वर्ड स्ट्रेस, इन्फ्लेक्शंस एंड नॉन इन्फ्लुएंसेस, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके भी आगे मैंने एग्जाम्पल्स या डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. सो वॉल्यूम वेरिएशन कैसे इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, ये मैंने डिस्क्राइब नहीं किया. स्पीड ऑफ स्पीकिंग कैसे इफेक्ट करती है, पॉजेस कैसे इफेक्ट करता है, वर्ड स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी. तो ये सब डिपेंड करता है आपकी वर्ड लिमिट के ऊपर, कि आपका पूरा जो आंसर आपने लिखा है वो 500 वर्ड्स का हुआ है या नहीं हुआ है. अगर 500 वर्ड से कम है, तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इनके आगे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और आगे आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं. और अगर आपके 500 वर्ड्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, देन माय एडवाइस इज कि आप इनको इसी तरह से हेडिंग्स में ही रहने दीजिए और उस ज़्यादा इनका डिस्क्रिप्शन में मत जाइए. बिकॉज मेनली आपको जो डिस्क्राइब करना है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल डिस्क्राइब करना है, उनके सब पार्ट्स का इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मेक श्योर कि आपका आंसर 500 मार्क्स से ज़्यादा कम भी ना हो और आपका आंसर जो है वो 500 मार्क्स से ज़्यादा भी ना हो. इट्स 450 से लेकर अगर 600 वर्ड्स तक आपका आंसर बन रहा है, देन दैट्स परफेक्ट. किसी भी हालत में अपने आंसर को 550 या 600 वर्ड से ज़्यादा मत जाने दीजिए और किसी भी हालत में उसे 450 वर्ड से कम मत रखिए.
So if you have any other question, any other query, because I have only I have uploaded video about very like few questions. I got hold on very few question papers. So if you have more question papers, you can share those questions with me in the comment section. And also if you have some problem, or if you are facing some problem, like giving example, you do not have any idea how to write like new example or how to change the example, you can ask me in the comment section ki ma'am, we do not know how to give this different example. So any other query, any other information, do let me know in the comment section. We will try to solve it as soon as possible. Thank you so much. Keep watching and please subscribe my channel. Comment, share, like and subscribe. Thank you.